दोस्तों नमस्कार, मैं डूंगर सिंह मारवाड़ म्यूजिक स्कूल से आपका संगीत का साथी। और आज तक के जितने भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाले हैं उसमें सबसे बेस्ट वीडियो ये लेकर आया हूं। और बहुत ही मेहनत से मैंने सोच समझ के ये वीडियो बना रहा हूं। चाहे आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और चाहे आपने मेरे सारे वीडियो देखे, चाहे आपको स्वर ज्ञान हुआ या नहीं हुआ स्वर ज्ञान तो अब हो जाएगा, और आपसे गाने नहीं निकलते हैं तो अब निकल जाएंगे। और मैं इतना अच्छा अभ्यास आपको बताऊंगा जिसको आप जानते भी हैं लेकिन उसको करने का तरीका वो अलग तरह से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे 5-6 प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर भले ही आपके 80% प्रश्नों के उत्तर आप ना में देंगे, आपका दिल ना में उत्तर देगा, तो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो में मैं जो आपको अभ्यास करूंगा उसको आप लगन से कर लेते हैं तो आपको आज तक जो फायदा नहीं हुआ वो फायदा भी होगा, आपको स्वर ज्ञान भी होगा। हो गया है स्वर ज्ञान थोड़ा बहुत तो स्वर ज्ञान बढ़ेगा और आप गाने भी निकालने में सक्षम हो जाओगे। तो शुरू हो जाइए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। दिल पर हाथ रख के उत्तर देना दोस्तों, मैं सुनूंगा नहीं लेकिन मैं महसूस करूंगा आपकी आवाज को कि आपने क्या जवाब दिया है। लेकिन फिर भी आप घबराएं नहीं, आपके अगर उत्तर ना में है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसका निराकरण इसी वीडियो में करूंगा। क्या तीनों लय में आपने सारे अलंकार किए? क्या आपने अलंकार 12 स्केल में किए? पहली स्केल, दूसरी स्केल, तीसरी स्केल, ऐसे 12 स्केल को लगातार आप बजा सकते हो? क्या आप एक ही पिच से 10 थाट लगातार बजा सकते हो? क्या आप प्रत्येक थाट को 12 स्केल से बजा सकते हो? क्या आपने हर थाट में 12 स्केल से अलंकार किए? क्या आपको स्वर ज्ञान हो गया? क्या आप हारमोनियम पर गाना निकाल सकते हैं? दोस्तों ये थे मेरे प्रश्न, और अगर आपके उत्तर अधिकतर प्रश्नों का उत्तर ना में है तो भी आप घबराएं नहीं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास दूंगा, मैं आपको कोई अलंकार नहीं करूंगा। अगर आपको सरगम बजानी आती है तो मैं आपको मूल मंत्र दूंगा, उस मंत्र को दो तरह से बजाना है, और उसको आपने परफेक्ट बजा लिया, और उसको रात में के अंधेरे में बजाना है और दिन के उजाले में बजाना है। वापस कहता हूं दोस्तों, दिन के उजाले में भी उस मंत्र को बजाना है और रात के अंधेरे में बजाना है, बिल्कुल एकदम अंधेरा गुप अंधेरा उसमें आपको वो मंत्र बजाना है, और आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। अभ्यास करेंगे तो आपको कोई भी गाना निकालने से रोक नहीं सकता। तो आइए हारमोनियम पर आइए, मैं आपको वो मूल मंत्र बताता हूँ। मात्र दो अभ्यास बताऊंगा, यही दो मूल मंत्र है, इसको आप बजाएं और इतना बजाएं कि आपकी अंगुलियां इनके ऊपर परफेक्ट चले। तो मैं हारमोनियम पे आ गया हूं दोस्तों, आपको जो दो मूल मंत्र बताने जा रहा हूं उसमें जो पहला मूल मंत्र है उसमें आपकी अंगुलियों की पोजीशन इसी तरह रहेगी जिस तरह आप बिलावल थाट में शुरू में जो आपने अलंकार किए, आपने सरगम बजाई, जो ये इसमें आपको क्या करना है, ये सा और इस अंगुली से रे शुद्ध बजाते थे, अब आपको कोमल बजानी है। सा रे ग में वही अंगूठा आएगा, सा रे ग म, म में वही अंगुली जो म पे आती थी, ऐसे आती थी ना, ये म पे आएगी, ये ग आपका, ये म तीव्र है, ये ग शुद्ध है, ये रे कोमल, रे शुद्ध इससे बजाते थे तो इसी से ये कोमल बजेगी, और ये सा इससे बजेगा। सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी
सा सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म म इसे बजाते थे, ये म बजाते थे, अब तीव्र म भी इसी उंगली से बजेगा। प हमेशा उससे बजाते थे, इसी से बजेगा। ध नी अंगूठे से बजाते थे, नी अंगूठे से बजेगा। सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। ये मारवा था दोस्तों, और आपको इसका अच्छा अभ्यास करने का करना है। मैं आपको इसको बार बार बजा के कहूँगा, आप ही कहोगे वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं दूसरा अभ्यास आपको अभी बता देता हूँ। दूसरा अभ्यास में आपके अंगुलियों का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, और वो दूसरा अभ्यास जो है वो है माइनर स्केल है, जिसमें ग ध और नी कोमल रहेंगे, बाकी सारे शुद्ध वही रहेंगे। और वो बजेगी कैसे, अंगुलियों की पोजीशन क्या होगी वो देख लीजिए। तो सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। इसमें देखिए सा रे वो का वो वैसे ही बज रहा है, ग अंगूठे से ही बज रहा है, म प बराबर बज रहे हैं, ध पे अंगूठा आएगा कोमल ध पे, नी पे ये पहली अंगुली आएगी, और सा पे ये मिडिल फिंगर आएगी, जो प पे ये आएगी। सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग म ग रे सा रे ग म प ध नी सा। ये जो अभ्यास है वो आपका आसावरी थाट का अभ्यास है। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा नी सा। ये दोनों अभ्यास आप रोज आधा आधा घंटा करें दोस्तों। आपके भले हाथ दर्द करने लग जाए तो भी कोई बात नहीं, और जो आसावरी थाट का अभ्यास है उसमें आप ये अंगुली प पे ही आनी चाहिए, इस बात का पूरा ख्याल रखें। सा रे ग म प ध नी सा। इसका दिन की उजाले में अच्छी तरह से अभ्यास कर लें, और फिर आप इसका जो परीक्षा लें इसकी कि आपका अभ्यास सही हुआ कि नहीं हुआ, तो आप रात में अपने कमरे में बंद कमरा करके अंधेरा करके आप इसको बजाएं। गलत स्वर लग जाए तो आप सही कर दें अंधेरे में, और अंगुलियों से टटोल के भी आप सही सुर ये बजा सकते हैं। मैं अभी अंधेरा करके बजाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो इस तरह से इस अभ्यास को इतना कर देना दोस्तों कि अंगुलियों को मालूम पड़ जाए कि ग कोमल कौन सा है, अंगूठों को मालूम पड़ जाए, अंगुलियों को मालूम पड़ जाए ये ध कोमल नी कोमल। 70% गाने जो हैं वो इसी चैलेंज में मिलेंगे आपको। तो ये अभ्यास दोस्तों वास्तव में मूल मंत्र है, इसमें आपके पांचों विकृत स्वरों का अभ्यास होता है और सातों शुद्ध स्वर का भी अभ्यास हो रहा है। आपको कोई स्केल भी बदलनी, सी शार्प से ही करना है। हाँ, एक बात और ये विशेष करके कहना चाहता हूँ मैं कि आपको ये अभ्यास जो है
वो सी शार्प से ही करना है, चाहे आपकी स्किल कोई भी हो, आपकी कोई भी स्किल होगी तो भी आपके ये रेंज में रहेगा, आपको ये अभ्यास सी शार्प में ही करना है। क्योंकि जो भी गाने बॉलीवुड के गाने भजन होंगे गज़ल, तो वो सारे दोस्तों सी शार्प या डी शार्प से होंगे, तो उनको उनमें ये स्वर लगेंगे, तो आप उनको समझ सकेंगे कि कौन सा स्वर लग रहा है। अगर आप अन्य स्केल से करेंगे और वो गाना सी शार्प से या डी शार्प से बज रहा है तो आप उसको नहीं पहचान सकेंगे। इसलिए आप सी शार्प से ही करें, चाहे भले आपकी स्केल ए है, चाहे महिलाओं की चाहे ए शार्प है या जी शार्प है, या पुरुषों की वृद्ध पुरुषों की जी शार्प है, चाहे बच्चों की एफ शार्प है चाहे जी शार्प है। आपसे इस अभ्यास के लिए मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप सी शार्प से ही करें, क्योंकि सी शार्प और डी शार्प और डी ये तीन स्केल ऐसी हैं जिसमें ही सारे बॉलीवुड के गाने समाए हुए रहते हैं। बहुत कम गाने एफ शार्प और इससे होते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी और डी ये है मेन सी शार्प है, तो इससे ही ये दोनों अभ्यास करें और लगन से करें दोस्तों। अंधेरे में भी बजाएं जैसा अभ्यास कीजिए, मैंने आपको कहा ना कि कमरे की लाइट बंद करके आप इसको करना, और फिर इसकी जांच करें। आप जांच कैसे करें, आप किसी दूसरे बंदे को, एक जो हारमोनियम सीखने वाला है उसको बिठावें, वो कोई भी एक सुर बजाएगा तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कि कोमल था बज रहा है, कोमल नहीं बज रहा है, कोमल ग बज रहा है, कोमल रे बज रहा है, मतीवर बज रहा है, इस तरह से ये आपको मालूम पड़ना चाहिए। तो इस अभ्यास से दोस्तों बता चुका हूं कि आपके सारे स्वर बज जाएंगे विकृत और शुद्ध। इसके अलावा आपको स्वर ज्ञान भी इससे 100% होगा, और हो चुका है थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। और गाने दोस्तों इन्हीं दो स्केल से पूरे गाने निकलेंगे, 100% गाने पूरी दुनिया के किसी भाषा में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे राजस्थानी में हो, चाहे हिंदी में हो, सारे गाने ये जो मैंने आपको दो अभ्यास बताए इससे बाहर नहीं जाएंगे। मिलते हैं अगले किसी बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक अभ्यास करते रहिए। नया वीडियो आते ही दोस्तों उसमें लग मत जाइए, उसको देखिए, उसके अनुसार अनुसरण कीजिए समय, लेकिन अपने रियाज में जो है आज जो मैंने अभ्यास बताया उसको शामिल कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।